नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी के कंसर्न को। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में हैं कि ये जो फॉर्म हमारा निकला है 29 दिसंबर 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 लास्ट जो डेट है आपके यूजीसी नेट के फॉर्म फिलअप करने की, वो 17 जनवरी है। ये फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्होंने यूजीसी ने जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर दिया है 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में आप लोगों के एग्जामिनेशन भी कराने हैं, और जो जून वाला सेशन है उसके लिए भी इन्होंने एग्जामिनेशन का स्लॉट यहां पे बुक कर दिया है और डेट भी अनाउंस कर दी है कि आपके 10th जून से ये जून वाला भी एग्जामिनेशन, जून 2023 वाला एग्जामिनेशन भी कराएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में फरवरी वाला जो फॉर्म है या जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए इस बात में तो सच्चाई है कि तैयारी के लिए समय बहुत कम है। लेकिन मैं आप सभी को सजेशन दूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी, रिक्वेस्ट उन स्टूडेंट्स से स्पेशली जो कि हमारे फैमिली से जुड़े हुए हैं, कि आप सभी लोग फॉर्म को ज़रूर से फिलअप करिए। ये जो कम समय का ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन आपका 1-1.5 महीने का है, ये किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये इन जनरल टाइम मिला है सभी को। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर में प्रेशर होगा और इस प्रेशर में आपकी जो पढ़ाई करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो इन केस अगर आपका फरवरी वाला सिलेक्शन नहीं होता है तो हाई चांस होंगे कि आपका जून वाले में सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये लास्ट जो एग्जामिनेशन इनको कराने का जो डेट है वो है 10th मार्च। मार्च के लास्ट तक ये आप लोगों का रिजल्ट निकालने का प्रोसेस और आपका जो चैलेंज करने वाला प्रोसेस है उसको करेंगे, जो कि शायद आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जाए। और जैसे ही ये फिनिश होगा ये नया फॉर्म निकाल देंगे। मतलब आपके पास में लगभग सिर्फ 1 महीने का ही समय एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगा जून वाले के लिए भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो। हर हाल में, हर सूरत में आपको फरवरी वाले एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए, मेरा सजेशन है इन जनरल और रिक्वेस्ट है जो हमारी फैमिली से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप जून वाले भी एग्जामिनेशन को अपने माइंड में रख करके प्रिपरेशन करेंगे, फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा कवर कर ले जाएंगे और इस प्रेशर में आप लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो शायद आप नॉर्मल बैलेंस में नहीं पढ़े। अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि चलो जून वाला फॉर्म भर देंगे, अभी इसको छोड़ दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप लेजी हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे और भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन्होंने माइंड अपना प्लान करके रखा है कि वो जून में ही फॉर्म भरेंगे, है ना, फरवरी वाला वो वैसे भी छोड़ रहे हैं। तो आपका कंपैरेटिवली जो कॉम्पिटिशन है फरवरी वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस ये वाला सत्र में फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रिपरेशन 1-2 महीने से ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि पेपर वन में तो ऑलरेडी आप लोगों का पिछले महीने से 2 महीने से कंप्लीट करा ही रही हूँ, 6 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारे कंटेंट सारे मटेरियल्स मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप देख भी रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन भी हमारा चल रहा है, पेपर टू हमारा कॉमर्स भी है। तो ये जो प्रेशर है ना, एक्चुअली में ये प्रेशर बहुत अच्छा है। इन केस अगर आपका फरवरी वाले में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप जून वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे। सोचिए एक बार दिमाग पे अपना थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव तरीके से अगर आप सोचिए कि अगर आप ये 1.5 महीने प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप आइडियली घर पे बैठे रहेंगे, फिर आपका जून वाला फॉर्म निकल जाएगा अप्रैल में, आप 2 महीने में क्या जून वाला प्रिपेयर कर लेंगे, आप जून वाले के लिए भी रेडी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप किसी भी सूरत में चाहते हैं कि जून तक जुलाई तक आपके हाथ में नेट का सर्टिफिकेट आ जाए या जेआरएफ का सर्टिफिकेट आ जाए, तो हर हाल में आपको ये फरवरी वाला अटेम्प्ट देना ही चाहिए। आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन भी पता चलेगा, एक प्रेशर भी आपको मिलेगा, एक धड़क खुलेगी आप लोगों की अगर फर्स्ट टाइम आप ये पेपर दे रहे हैं तो। हर हाल में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रेशर में वो टॉपिक्स या वो यूनिट्स फास्ट फास्ट कवर करेंगे, पढ़ने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी, है ना, जो कि आप एक नॉर्मल जो आपको टाइम मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, उस टाइम में आप नहीं कर पाते। तो हर तरीके से, हर सूरत से आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है। और मेरे एंड से पूरा मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो जनवरी लास्ट तक मैं पेपर टू का कॉमर्स का कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि पेपर वन तो ऑलरेडी आप लोगों की 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, DI बचा हुआ है, DI को भी मैं आप लोगों को करा दूंगी, मतलब ये महीने में आखिरी के मतलब लास्ट जनवरी तक में आप लोगों के पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा और पेपर टू कॉमर्स भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए अगर आप ये 2 महीने बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आप जीरो में रहेंगे, और अगर आपने जनवरी में ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप फरवरी में रिवीजन वाले मोड में चले जाएंगे और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन देखिए वैसे भी कम होने वाला है, बहुत सारे लोग आप लोगों के इस क्षेत्र में या कहीं इस लाइन में है ही नहीं, तो इस बार की मेरिट भी कम जाएगी। तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए, मैं आपके साथ में हूँ, और जो आपकी जेआरएफ की जर्नी है उसमें मेरे एंड से 100% मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा मेरी बात मान करके फॉर्म को फिलअप करिए,
आप गिव अप मत करिए, लगे रहिए और दोनों मैं और आप हम सब लोग मिलकर के आपका जो नेट है या जो आपका जेआरएफ का ड्रीम है उसको जरूर से पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी और सजेशन दूंगी सब लोगों को, फॉर्म जरूर से फिलअप करिए। 17 जनवरी जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, जरूर से फॉर्म फिलअप करिए। आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न पता चलेगा, प्रेशर में आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, कॉम्पिटिशन भी कम है कंपैरेटिवली, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल पर डेली बेसिस पर मैं आप सभी लोगों के लिए कराती हूँ। पेपर वन स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको क्लासेस का लिंक दे दूंगी, टेलीग्राम से आप जुड़ जाना, वहां से मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, फाइल सेक्शन से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीजें बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ आना है, पढ़ना है। जितना आप जल्दी चीजों में इन्वॉल्व होंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कवर होगा। तो अब मैं अपने किसी भी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ये कॉमेंट नहीं देखना चाहूंगी कि मैम ये फॉर्म हमें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, हमारी तैयारी है बिल्कुल भी नहीं है और हमारा होगा या नहीं होगा। आप अपने ऊपर डाउट मत करिए, थोड़ा सा फेथ रखिए, तैयारी करिए, एफर्ट्स डालिए और जरूर आपका होगा। फरवरी वाला, मार्च वाला अगर नहीं भी होता तो जून वाले के लिए एटलीस्ट आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ पे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं किया है, सिर्फ एक मोटिवेशन बोल सकते हैं या एक सजेशन या रिक्वेस्ट ही मैंने शेयर किया है। तो मेरी बात पे गौर ज़रूर से करिएगा, क्योंकि हम लोग, आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकते हैं और क्योंकि हम लोग एक फैमिली की बात करते हैं, तो एक बड़ी बहन का सजेशन ही समझ करके फॉर्म को फिलअप करिए। 1100 रुपये जनरल की फ़ीस है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि जिसको आप दांव पे ना लगा सके, है ना। क्योंकि नेट का सर्टिफिकेट जब आपके हाथ में होगा तो वो आपकी खुशी का जो लेवल होगा ना वो नेक्स्ट लेवल ही होगा। जेआरएफ का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपार खुशी देगा, उसके सामने ये 500, 1100, 1000, 2000 रुपये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स टेलीग्राम के और क्लासेस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।